नॉट अ फिक्शनल स्टोरी है। ब्लीड कर रहा था मुंह से बंदा ब्लीड कर रहा था, वो बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट हुआ इन अंधेरी उसको। मैं डर गया कि लाइक क्या हुआ, कुछ अटैक वटैक ना कर दे, क्योंकि बंदा शांति से मेरा फोन जो उसने अपने जेब में डाला एंड कब वहां से गायब हुआ। Hey guys, hi, welcome back in a new video, new day, new vlog. तो आज मेरा 75 हार्ट चैलेंज का 27वां दिन, तो ये रहा एक लीटर पानी, चलो पीते हैं, निकलते हैं ग्राउंड के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस है, लेट्स गो। पानी 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 पानी। So guys, finally हम लोग ग्राउंड में पहुंच चुके हैं एंड आज ना अमन आया है, ना जतिन आया, ना कोई आया, ना कोई आएगा आज, तो आज मुझे अकेले ही सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गए हैं तो वर्कआउट शुरू करते हैं, ग्राउंड में काफी लोग हैं आज एंड पता नहीं वीडियो का क्या होगा, तो देखते हैं। अच्छा, ऐसे संकेत भी नहीं आया जो मेरा डेली वहाँ से हमेशा हेल्प कर देता था मेरे नीडी टाइम में, बट आज कोई भी नहीं है, तो आज अकेले सब कुछ करना पड़ेगा, तो पता नहीं पूरा वीडियो ले पाऊँगा कि नहीं। चलो पहले वॉकिंग और वार्म अप कर लेते हैं, एटलीस्ट लेट्स गो। वॉकिंग तो हो गई एंड बोला कि अब वर्कआउट करूँगा, तो उसका वीडियो तो कोई बना नहीं पाएगा, स्टिल एक दो वर्कआउट ले लूँगा, बट उसके पहले हम लोग यहाँ पे फुटबॉल खेले एंड यू नो कि फुटबॉल में कितना स्टेमिना लगता है, एक काइंड ऑफ वो वर्कआउट ही है और उससे ज़्यादा ऊपर है आई गेस। तो आ जाओ फुटबॉल खेलते हैं, आधा वर्कआउट तो अपना यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज, डे वन का, आई मीन डे 27 का फर्स्ट वर्कआउट, लेट्स गो। So guys, किसी तरीके से we did it. This wedding will explain you everything. किसी तरीके से सब कुछ कर लिया भाई और बहुत कंटिन्यू किया है, तो आ जाओ सेल्फी लेते हैं एंड निकलते हैं, लेट्स गो। बहुत टायर्ड हूँ भाई, बहुत टायर्ड हूँ, लेट्स गो। So guys, इसी के साथ हमारा सेल्फी वाला ट्रैक्स, फर्स्ट वर्कआउट वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, चलो फटाफट घर चलते हैं, आज कुछ काम भी है एंड कुछ सीन भी हुआ है, तो आपको सब एक्सप्लेन करूंगा घर पे, तो चलो पहले घर पे चलते हैं ना, आगे के टास्क कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, घर पहुंच चुके हैं, फटाफट एक लीटर पानी पीते हैं एंड डायरेक्टली पानी पी के फ्रेश होकर बाद मिलते हैं, क्योंकि आरती हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, मतलब समझ रहे हो, जय माता दी, तो मिलते हैं। पानी पानी पानी। One eternity later. Hey guys, hi. आप लोगों को पता है मैं नहा लिया था कुछ 10 के अराउंड एंड ये क्लिप मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ एट 2 PM। इसके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कहानियाँ बन चुकी हैं, हाँ मतलब थोड़ी देर पहले हुई लेकिन अब कहानी बन चुकी है, वो एक किस्सा रह जाएगा जिंदगी में किसी को सुनाने के लिए इन फ्यूचर। तो कुछ इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ अभी एट अ मोमेंट, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए इतना टफ हो चुका था ना मोमेंट, अकेला था आज, पहली बार मैं कहीं पे आज अकेला गया था, पर ना वैसे कैसा होता है कि मैं कहीं जब जाता हूँ ना अक्सर, तो मैं मेरे अपने साथ किसी को ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे साथ जो मेरे एरिए के बच्चे लोग हैं उन्हें ले लेता हूँ या फिर अमन को ले लेता हूँ, मतलब मैं किसी के साथ ही अक्सर जाता हूँ एंड दिस वॉज द फर्स्ट डे आई वेंट अलोन एंड मैं इसलिए अकेला गया ताकि मैं कुछ सीख सकूँ एक्चुअली। एक चीज़ मेरे को और बताना था आप लोगों से, बहुत ही मतलब बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, माय ग्रैंड मदर इज़ एट अ लास्ट स्टेज, तो अब उनको उनके पास 1 से 2 दिन है, डॉक्टर ने ऑलरेडी उन्हें टाइम दे दिया है एंड उसके लिए अब कम दिन बचा हुआ है, तो इसलिए मेरे मतलब कम नहीं 1-2 दिन ही बचा हुआ है, तो इसलिए आज अर्जेंसी में एक टिकट चाहिए हुआ था, तो मैं जब नहा के ऊपर आया तो फिर उसके बाद मैं गीता पढ़ा, उसका मैंने वीडियो लिया, बट उसका स्पीच मतलब जो था बोलने का मैंने वो नहीं दे पाया, स्पीच जो देना था नहीं दे पाया, तो खाली वीडियो ले लिया उस समय एट अ टाइम एंड देन उसके बाद मैं निकल लेता हूँ सीधा टिकट लेने के लिए, है ना, तो और बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए, कुछ भी खाया पिए अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट था, चीज़ें बहुत ही फटाफट करनी थी, इसलिए मैं निकल लेता हूँ सीधा टिकट लेने के लिए एंड जब मैं जाता हूँ वहाँ पे स्टेशन पे, तब अब यहाँ से सीन सुनो एंड दिस इज़ नॉट अ फिक्शनल स्टोरी आई एम टेलिंग यू,
मैं गीता की कसम खा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सच बता रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि मैं जब टिकट इधर पे अपना फॉर्म फिल करता रहता हूँ, एक बंदा आता है एंड वो बंदा काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब यार, बहुत सीरियस लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। उसकी जो यहाँ की पार्ट थी ना पूरी आई थिंक इन्फेक्ट हो चुकी थी, मे बी प्रोबेबली ही वॉज सफरिंग विद कैंसर और समथिंग, तो ये पूरा पार्ट उसका सड़ चुका था एंड वो ब्लीड कर रहा था मुंह से वो बंदा ब्लीड कर रहा था। सो गाइस वो बंदा ना पूरी तरीके से मुंह से ना ब्लीड कर रहा था, तो मेरे पास आया एंड कांप रहा था एकदम से एंड मैं देख के थोड़ा मतलब भाई क्या हो गया इसे। वो आके मुझे बोलता है कि भाई तुझे इंग्लिश आती है क्या, मतलब वो इंग्लिश में सब कुछ बात कर रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट फ्रॉम हियर, ही वॉज फ्रॉम गोवा। तो अब पता नहीं सच था या झूठ, बट ही टोल्ड मी दैट कि ही इज़ फ्रॉम गोवा, ही डोंट नो हिंदी एंड मराठी एंड एनीथिंग। तो उसने मुझे बोला कि वो बंदा मुंबई आया हुआ था घूमने के लिए एंड वो बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट हुआ इन अंधेरी, उसको कुछ लोगों ने बहुत मारा है एंड ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सी चीज़ें मुझे स्टोरी उसने सुनाई अपनी एंड देन आई जस्ट सेड कि जाओ भाई पुलिस केस करो, मतलब FIR करो। तो बोलता है कि मैं पुलिस के पास गया एंड दे रोट FIR बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। ऐसे कैसे हो सकता है, बोलता है कि नहीं पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने मुझे भगा दिया। तब जब वो मेरे क्लोज आया ना, देन आई रियलाइज कि क्यों, क्योंकि वो बंदा फुल ऑन था, मतलब पूरी तरीके से मतलब वो नशे में था, उसके मुंह से ड्रिंक की स्मेल कर रही थी एंड वो साथ से ड्रग वग लिया हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा नशे में था। देखो ना जब इंसान ज़्यादा नशा ले लेता तो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, एकदम से कांपता है, एकदम से वो शैटर करता है। तो वो कुछ ऐसा ही माहौल था एंड तब मैं बोला कि ब्रो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आई कांट डू एनीथिंग। एंड देन सडनली वो बंदा थोड़ा वॉमिटिंग सा करने लगता है एंड आप बिलीव नहीं करोगे उसके मुंह से खून आ रही थी भाई, खून की उल्टी कर रहा था वो बंदा। एंड जैसे मैंने उसको थोड़ा टच किया ना, एकदम अलग तरीके से उसने रिएक्ट किया, मुझे एकदम जोर का ढकेल दिया उसने पीछे की तरफ। मैं डर गया कि लाइक क्या हुआ, कुछ अटैक वटैक ना कर दे, क्योंकि ना वो आउट ऑफ हिज माइंड, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल था बंदा। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बोला कि उसको मार या फिर उसको पकड़ ले जोर का, पुलिस में जा। मैं बोला कि मैं यहाँ पे मैं क्या करने और मैं क्या करूँ, और मुझे एक तो उस समय जो फॉर्म भरना था मुझे वो नहीं भरने आता था, एक तो मैं लोगों से पूछ रहा था एंड एट अ मोमेंट मेरे साथ वो चीज़ें होने लगी, मैं सडन टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक हो गया एंड नाउ एग्जैक्टली हैपन डिसन। तो मैं जो फ़ोन था मेरा, मैं फ़ोन यहाँ पर रखा हुआ था, एक वहाँ पे डेस्क था जिस पर मैं लिख रहा था, फॉर्म फिल कर रहा था, यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था। तो मैं फॉर्म भरते भरते जब ये सब सारी चीज़ें हुई, इट टुक एटलीस्ट हाफ एन आवर्स। तो उस चीज़ में ना मेरे दिमाग से सारी चीज़ें मतलब मेरा ब्रेन वॉश हो गया एंड मैं सिर्फ उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया। एट अ टाइम आई फॉरगॉट कि मैं यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आया हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। तो फिर जब वो वॉमिटिंग करने लगा, ही पुश्ड मी, मुझे जोर से उसने ढकेल दिया एंड मैं पीछे चला गया। फिर उसके बाद मैं आई इग्नोर्ड की, मैं बोला कि इससे क्या मुंह लगूँ मैं, अगर मुझे डर एक चीज़ का था सिर्फ मैं कि ये ऑलरेडी इतना गलत लेवल पे सफ़र कर रहा है, अगर मैं इसको कुछ कर दिया, इनकेस अगर मैं पुश्ड भी कर दिया फिर मार भी दिया, तो मुझे ये डर था कि उसको कुछ ना हो जाए, अगर उसको कुछ हुआ ना तब मैं गलत हो जाऊँगा, मेरे साथ बहुत गलत लेवल पे केस वेस हो, सब गंदा सीन हो जाएगा भाई मेरे साथ। तो मैंने इसलिए कुछ भी चीज़ नहीं किया, मैं एकदम ही शांत रहा, इग्नोर किया सारी चीज़ों को। फिर जब मैं फॉर्म लेके वहाँ से हटा, तो वो बंदा शांति से मेरा फ़ोन जो है उसने अपने जेब में डाला एंड कब वहाँ से गायब हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। एंड देन मैं भी इग्नोर किया कि बोला हाँ चलो अच्छा हुआ चल ही गया। एंड देन मैं फॉर्म भरने पे रिटर्न ध्यान शुरू कर दिया। एंड देन जब मैं रियलाइज़ किया, जब मैंने आई चेक माई फ़ोन टू कॉल माई ब्रदर एंड ऐसा रियलाइज कि भाई मेरा फ़ोन किधर है, एंड देन देखा कि वो गायब हो चुका, एकदम तेज़ी से कम लेके फ़ोन भागा, मुझे पता ही नहीं चला। एंड देन आई चेज्ड हिम, तो मैं बाहर आया देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्टेशन है एंड यू नो स्टेशन पे क्राउड कैसा होता है एंड मोस्टली दिस टेलिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें ना, ऐसे दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स यूजुअली हैपेंस एट स्टेशन प्लेसेस। तो भाई मैं बाहर आया देख रहा हूँ कहीं भी नहीं दिख रहा है एंड थैंक गॉड कि वो शायद यहाँ का नहीं था, वो बाहर का था, जिसके कारण उसे यहाँ की कुछ भी जगह का पता नहीं मालूम था, तो वो भी यहाँ वहाँ ही भटक रहा था। एंड मैं तुरंत ऊपर चढ़ता हूँ स्काई वॉक पे एंड उसके थ्रू मैं उसको स्पॉट कर लेता हूँ किसी तरीके से। मैंने इतना स्पीड भाग रहा था भाई, मैं कितना ज़्यादा भागा हूँ, मतलब मेरे पेट में कुछ भी नहीं था, ऑलरेडी मैं वर्कआउट किया था एंड कुछ भी खाया पीना भी था, तो मेरे अंदर लेवल की एनर्जी नहीं थी, बट सम हाउ आई चेज्ड हिम। एंड उसके बाद वो एक टॉयलेट में घुसा, पब्लिक टॉयलेट में, एंड आई आस्क्ड देयर फॉर हेल्प। मुझे इस बात का डर था कि मैं इसके क्लोज ना जाऊँ,
ये सारी चीजें, क्योंकि देखो जब कोई इंसान किसी गलत चीज से पकड़ा जाता है, अगर वो कुछ गलत करते हुए पकड़ा जाता है ना, तो वो सबसे पहले अटैक करता है जो उसको पकड़ता है, जो विक्टिम होता है वो सबसे पहले उसको अटैक करता है, क्योंकि वो बचने की ट्राई करता है। तो मेरे मन में भी यही था, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड देयर फॉर अ हेल्प। जो भी वहाँ के लोग थे, रिक्शा ड्राइवर, देयर वेर मेनी पीपल्स, तो आई आस्क्ड देम फॉर द हेल्प। तो मैंने बोला कि भाई आ जाओ, एक ऐसा ऐसा सीन हुआ है, यू वोंट बिलीव, नोबडी केम विद मी। सब लोगों ने मुझे मना कर दिया, डिनाइड मी कि ब्रो जा अपना अपना हैंडल कर, मतलब देवर ऑल्सो स्केयर्ड कि भाई वो कुछ करे ना। सोचो ऐसे लोग हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी मेरे साथ यहाँ पे आया नहीं कि मेरे साथ हेल्प करे, कोई भी नहीं आया मेरे साथ। तो मैं अकेला गया, एंड देन मैंने जो मतलब मैं देखा नहीं था कि कौन से टॉयलेट के अंदर वो घुसा हुआ है, तो मैंने पूछा, उन्हें भी बताया सारी चीज़ें, देन तब वहाँ के दो तीन लोग मेरे साथ खड़े हुए थे, एंड वो बंदा अंदर जाके प्रोबेबली फ़ोन को खोलने की ट्राई कर रहा है, उसका बैटरी उसका सिम बाहर निकालने की ट्राई कर रहा है, बट अच्छा उसके पिन नहीं था तो उसके थ्रू कुछ भी नहीं कर पाया। एंड आई वेटेड देयर फॉर हाफ एन आवर्स फॉर देम, तो वो बंदा बाहर कब से नहीं आ रहा था, एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट कन्फर्म कि किस टॉयलेट में एक्जैक्टली है, तो हम लोग पूछ पूछ करें। बट उसके बाद कुछ देर बाद जब सारे लोग निकल गए, तब वी गेट इट कि ये बंदा इसके अंदर बैठा हुआ है, एंड हम लोग बाहर फिर खड़े थे, उसको पूछ के उसको बाहर निकाले, एंड बाद में वो ना ऐसा जैसे पकड़ा ना वो रोने लगा, सीधा रोने लगा, एंड देन पैरों पे गिरने लगा। तो मैं बोला कि मैं इसे क्या करूँ, मतलब मेरे दिमाग में तो आ ही नहीं रहा था कि मैं उसको कुछ करूँ, बट बस वहीं पे मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे मैं एकदम लाइक रिलैक्स हो गया कि भाई मेरा फ़ोन मिल गया, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं था, मेरे पापा का फ़ोन था, और सडन टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, तब वो फ़ोन मिला, मैं फ़ोन लिया, एंड देन उससे मैंने बातें की, उसको मैंने बोला कि मत कर ऐसा, बहुत मार खाएगा भाई, ये मुंबई है, यहाँ के लोग इतना मार देंगे कि भाई तू मर भी जाएगा, इतना ज़्यादा तू अजीब ढंग का लग रहा है, इतना ज़्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है तू। तो उसने माफ़ी वाफ़ी मांगी, मैंने उससे भगाया यहाँ से, मुझे लोगों ने तो यहाँ तक ये भी कहा कि मार उसको, उसको पकड़, उसको पुलिस को बुला, बट आई डोंट नो मैंने क्यों उसे माफ़ कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मतलब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, बट एक चीज़ है कि मेरे मन में उस समय ऐसा है कि ही इज़ ऑलरेडी फेसिंग देयर वर्स्ट टाइम, मतलब भगवान उसे ऑलरेडी उसका नर्क दिखा रहे हैं, एंड उसी टाइम पे हम मारे, हम कुछ करें, वी आर नॉट द राइट पर्सन टू डू दिस राइट। तो मैंने बोला कि सब भगवान पे छोड़ दो, अपना ऑलरेडी लास्ट स्टेज, मतलब लाइफ का सबसे गंदा स्टेज वो भुगत रहा है भाई, तो भुगतने दो उसे, मैं इसको वहाँ पे छोड़ दिया। फिर जब मैं निकल गया, रिटर्न मैंने टिकट निकाला, टिकट लिया पापा के लिए कल ट्रेन के लिए, फिर जब वहाँ से जब मैं टिकट के मीनवाइल मेरे अंदर एक दिमाग में आया कि जब उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ये काम किसी और के साथ भी कर सकता है, कुछ और लोग भी इस चीज़ से गुजर सकते हैं, तो मैंने बोला कि क्यों नहीं उसको रिटर्न पकड़ के एक बार पुलिस को दे ही देते हैं, बिकॉज एटलीस्ट कुछ नहीं तो पुलिस के पास सेफ रहेगा, सेफ वो नहीं, लोग सेफ रहेंगे प्रोबेबली। तो मैं रिटर्न गया, उसे ढूंढने की ट्राई किया, तो जो पूरा वेस्ट स्टेशन है मलाड वेस्ट स्टेशन, मैंने उसको पूरा जगह ढूंढा, वो बंदा कहीं भी नहीं मिला मुझे, मतलब मैंने ट्राई किया कि एक बार रिटर्न उसको ढूंढ के पकड़ के उसको दे दे पुलिस के पास, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था वो बंदा, बट वो नहीं मिला। एंड देन आई केम बैक एट अ होम, भाई बहुत ही गलत लेवल का सीन था, मतलब एक टाइम मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता, मैं बोला कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं क्या करने आया था और क्या हो गया। कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो घर पे आके मैंने तुरंत खाना खाया पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि आज सुबह से कुछ भी नाश्ता नहीं किया था, तो घर पे आके तुरंत पहले खाना खाया, एंड अब जाके मैं ब्लॉग ले रहा हूँ इस सारी चीज़ों का। भाई यही सिर्फ इतना सा चीज़ मेरे लग रहा है 8-9 मिनट का हो गया, बहुत सारी बातें थी। ब्रो बी केयरफुल, बी सेफ एंड बी अवेयर विद दिस ऑलवेज, कि आप किसी भी इंसान का हेल्प कर रहे हो, देख के हेल्प करना, दूर रह के हेल्प करना, लेकिन हेल्प जरूर करना, क्योंकि हर अगर आप इस चीज़ों से डर के हर इंसान से पीछे हट जाओगे ना, तो कुछ नीडी लोग बेचारे ही रह जाएंगे, समझ रहे हो। अब हम ऐसे लोगों का किसी का हेल्प करना बंद कर दें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, हेल्प करो बट बी केयरफुल। एंड भाई दिस इज़ ऑल, आई हैव डन माय लंच, तो देर इज़ नथिंग लेफ्ट, अब मैं वही एडिटिंग सब करूँगा एंड थोड़ा रिलैक्स करूँगा भाई, क्योंकि आज बहुत चीज़ें हो चुकी हैं बैक टू बैक, आई डिडंट गेट अ सिंगल रेस्ट। तो अब एडिटिंग सब अपना काम करेंगे, एंड डायरेक्टली मिलेंगे शाम को जिम टाइम पे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ। रात 7:45 बजे इस टाइम ऑफ आवर जिम, तो आज जिम थोड़ा जल्दी जाना है, क्योंकि आज टीम है, तो सर ने बोला था कि जल्दी आ जाना, थोड़ा वर्कआउट कर लेना, अच्छी तरीके से बॉडी को वार्म कर लेना, और उसके बाद स्टिम लेना। तो आज हम लोग को 8 बजे तक पहुंच जाना है जिम में, एंड 8 से 9:30 तक हम लोग वर्कआउट करेंगे, एंड वर्कआउट करने के बाद आधे घंटे का स्टिम लेंगे। तो हियर इज आवर प्री वर्कआउट मील, तो आ जाओ कम्प्लीट करते हैं एंड सीधा जिम में मिलते हैं, लेट्स गो।
I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where this... Finally workout ho chuka hai, ekdam achhe tarike se intense workout. And हम लोग आ चुके हैं स्टीम रूम में स्टीम लेने के लिए. ये देखो स्टीम हमारा पीछे है, तो चलो स्टीम लेते हैं एंड मिलते हैं सीधा बाहर. लेट्स गो. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फीलिंग आ रहा है. सो गाइस फाइनली हमारा वर्कआउट खत्म हो चुका है. स्टीम काफी अच्छा रहा आज का और बहुत ज्यादा ओवर हो गया ऐसा लग रहा है. तो चलो चलते हैं घर पे. राज आया, पाली भी आया, दो दो भाई के आज. तो चलो निकलते हैं. लेट्स गो. मीनवाइल राज अगेन पनीर खाने का प्लान, माली भाई की तरह से ट्रीट. तो भाई आज खिलाएगा पालक पनीर. लेट्स गो. राजा खाते हैं, निकलते हैं, देखते हैं डिनर में क्या है. लेट्स गो. सो गाइस इसी के साथ मेरा डे 27 हो चुका है कंप्लीट. डिनर, पानी, बुक, सेल्फी, वर्कआउट, सारा टास्क हमने एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है एंड इट्स ऑल डन. तो आज का दिन आपको पता था कितना खतरनाक था भाई. वो चोर वाला सीन तो भाई बोलो ही मत किस तरीके से किया है सब चीज़ें को हैंडल. तो इसी के साथ डे 27 कंप्लीट. मिलते हैं डे 28 पे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय श्री राम.